ये देखिए हमारा 3G एरिक्सन 3G का BTS है, इसमें आपको दिख रहा होगा पोर्ट ABC, इसमें तीन पोर्ट है। हेलो एवरीवन, दिस सुनील कश्यप, आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल सैंडी। आज मैं बात करूंगा कि एरिक्सन सिस्टम में अगर आपको 3G 4G टेक्नोलॉजी में सेक्टर्स के बीच में स्वाइप मिल रहा है तो स्वाइप को रिमूव कैसे किया जाता है। अगर मैं बात करूं स्वाइप की तो डिफरेंट टाइप के स्वाइप आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि साइक्लिक स्वाइप होता है, एंटी साइक्लिक स्वाइप होता है, फर्स्ट सेकंड सेक्टर के बीच में स्वाइप हो जाता है, सेकंड थर्ड सेक्टर के बीच में स्वाइप हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के स्वाइप आपको फील्ड पर ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो इस सारे स्वाइप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर इस स्वाइप को कैसे रिमूव किया जाता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस साइट पर जो हमने स्वाइप निकाला है वो सिर्फ 3G और 4G टेक्नोलॉजी में ही निकाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखकर 2G टेक्नोलॉजी का स्वाइप निकालने की कोशिश ना करें। और एक चीज़ में और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इस साइट पर हार्डवेयर यूज हुआ है वो है एरिक्सन का हार्डवेयर यूज हुआ है, जिसको कि नॉन कैस्केड मोड में कनेक्टेड किया गया है। अभी कैस्केड मोड क्या होता है और नॉन कैस्केड मोड क्या होता है, अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके ये सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना पाऊँ। तो चलिए इस साइट पर देखते हैं कि हमने कैसे स्वैप को आइडेंटिफाई किया और फिर कैसे इसको रिमूव किया, और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम पिंटू। हम लोग, हमारी साइट है 2024। हम लोग यहाँ पे कंप्लेन था हमारा 3G का, यहाँ पे कॉल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, कॉल ड्रॉप था। तो हम लोग ऑलरेडी लोकेशन देखा, हम लोगों ने विजिट किया हुआ है, तो वहाँ पे फ्रेश स्वैप का हुआ। तो हम लोग साइट पे आए हुए हैं फिजिकल चेंजेस के लिए। वो जहाँ पे साइट पे हम लोग को 3G में स्वैप मिला, एक्चुअली जो प्लानिंग में है, देखिए जैसे बता रहा हूँ मैं, ये हमारा एक्चुअल जो एजुमेथ है प्लानिंग में, फर्स्ट सेक्टर 30 डिग्री पे है, 20 सेक्टर 90 पे है और 6 सेक्टर 240 पे है। बट जो हमें फिजिकली मिला है वो पहला हमें 90 पे मिल रहा है और दूसरा हमें 30 पे मिल रहा है, थर्ड 240 पे। मतलब कि देखिए, थर्ड हमारा सही है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में स्वैप है, फर्स्ट और सेकंड में स्वैप है। ये फर्स्ट हमारा दूसरे पे मिल रहा है और दूसरा हमारा पहले पे मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया और दिखाया, पेपर में देख के आपको समझ में आएगा होगा कि ये स्वैप कैसे है फर्स्ट और सेकंड में। तो आइए अब हम दिखाते हैं आपको कि फिजिकली अगर स्वैप आपको मिलता है साइट पे तो कैसे रिमूव करते हैं। आइए अब हम लोग स्वैप निकालने चलते हैं। ये देखिए हमारा 3G एरिक्सन 3G का BTS है, इसमें आपको दिख रहा होगा पोर्ट ABC, इसमें तीन पोर्ट है। तो ये पहला पोर्ट जो ए है, इसमें हमारा फर्स्ट सेक्टर है, और ये बी सेकंड सेक्टर है, और सी थर्ड सेक्टर है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा जो स्वैप है और ए बी में है, मतलब बी के जगह हमें ए मिल रहा है और ए के जगह हमें बी मिल रहा है। तो स्वैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी को आपस में इंटरचेंज करेंगे। जैसे कि देखिए, ये हल्का सा नीचे से पुश करके आपको निकालना रहता है। ये इसको भाई सावधानी से निकालना रहता है, अदरवाइज ये पोर्ट हमारे ब्रेक हो सकते हैं। तो अभी देखिए, मैंने ये बी सेक्टर को निकाला। अभी देखिए, जो मेरे ये है, ये बी था, मैंने इसको ए में लगाया। ये लगाने के बाद ये लाइट जलती है यहाँ पे ग्रीन कलर का हल्का, और ये हमारा ए सेक्टर था, जो कि अब मैं इसको बी में लगा रहा हूँ। अब ये देखिए, पोर्ट जल चुके हैं। तो ये जब तक पोर्ट नहीं जलेगा तब तक ये सेक्टर पूरी तरह से आएगा नहीं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये पोर्ट आने के लिए। अगर ये नहीं आता है तो आपको एक बार वापस से निकाल के फिर से लगाना है, लगाओगे तो ये आ जाएगा। देखिए अभी आ गया, अभी आपको पोर्ट जलता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये जो हमारा स्वैप है वो निकल चुका है, अब हम इसको चेक करते हैं। ये जो आप एंटीना देख रहे हैं पोर्ट का, ये 2G 3G है, कमेंट चल रहा है एक ही एंटीना में। उसके बगल में आपको एक छोटा सा एंटीना दिख रहा होगा, वो हमारा 4G है, ये हमारा पहला सेक्टर है। अभी हम लोग का जो कंप्लेन था, जहाँ पे हम लोग इसके लिए काम किया है, वो इस एरिया में था, ये हम लोग इस एरिया में गए जहाँ पे हमें कंप्लेन था 3G का कॉल कनेक्टिविटी का, अभी उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। देखिए अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा दूसरा सेक्टर था, बट अभी हम लोगों ने सेक्टर वो जो स्वैप था वो रिमूव किया। उसके बाद से अभी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेक्टर मिल रहा है हमारा, जो 56087 होता है, ये हमारे फर्स्ट सेल आईडी होती है, 789 ऐसे चलता है। लास्ट डिजिट जो चेंज होता है सेकंड सेक्टर के लिए वो 88 होगा, थर्ड सेक्टर के लिए 89 होगा। अब ये 87 है, ये हमारा फर्स्ट सेक्टर है, और ये पे हमारा फर्स्ट सेक्टर यही होना चाहिए, जो कि पहले नहीं था, अब मिल रहा है हमें सही।